तो आप सभी को राधे राधे। तो देख सकते हैं अपने पास फाइनली हैवेल्स का इको एक्टिव जो मॉडल है एफिशिएंसी का, वो अपने पास आ चुका है, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक होता है। और साथ ही साथ ये एफिशिएंसी जो है ये डीएक्स है। अगर मॉडल नंबर की बात करें तो एफिशिएंसी डीएक्स होने वाला है, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है। और साथ ही साथ इसमें काफ़ी हाई स्पीड होने वाला है। आरपीएम तो बहुत कम ही दे रखा था, देख सकते हैं इसका ये है ब्लेड, जो कि 1200 mm का इसका लंबाई होने वाला है, यानी 48 इंची का ये इसका ये ब्लेड है। और देख सकते हैं, आइए फैन को अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसके बारे में और जानेंगे भी। देख सकते हैं ये है अपना हैवेल्स एफिशिएंसी डीएक्स और इको एक्टिव टेक्नोलॉजी का, जो कि देख सकते हैं 100% कॉपर और वहीं साथ 2 ईयर का गारंटी, यानी बहुत से फैन है जिसमें सिर्फ वारंटी देता है और इसमें गारंटी दे रहा है। ये बिल्कुल डिफरेंस है, यानी आपका फैन खराब हो रहा है तो पीस टू पीस वापस हो जाएगा, न कि रिपेयरिंग करके मिला गया। तो देख सकते हैं ये बहुत ही गजब की चीज़ है कि ये गारंटी दे रहा है। और साथ ही साथ देख सकते हैं 5 स्टार का फैन है, और भी देख लेते हैं इसके बारे में। और इस आप तो एक वर्ड सुने होंगे ऑर्डिनरी, तो देख सकते हैं इसमें एक ऑर्डिनरी वर्ड भी मेंशन कर रखा है, यानी और ये है एफिशिएंसी डीएक्स। तो इसके फीचर्स और इसके में तुलना कर रखा है यहाँ पे, तो ऑर्डिनरी फैन ले रहे हैं तो 75 वाट के कम से कम होने वाला है, 1.02 किलोवाट प्रति घंटा उसमें वो लोड लेगा, 120 यूनिट आपका बिजली खपत होगा। और देख सकते हैं इसमें 36 यूनिट पर डे चलने वाला है, और साथ ही साथ देख सकते हैं इसमें 252 रुपये का बिजली खर्च आएगा अगर इतना टाइम चल रहा है तो। और वहीं इस फैन का बारे में जान लें, अगर एफिशिएंसी यानी हैवेल्स का आप डीएक्स मॉडल लगा रखे हैं जो कि 30 वाट में होने वाला है, तो जो 101.20 यानी था उसमें बस 0.48 यानी किलो वाट प्रति घंटा, यानी काफ़ी इससे कम होने वाला है। और देख सकते हैं फाइनली आपका बस ये 180 पैसा बस लगने वाला है, यानी सीधे इसके आधे में है, तो बहुत ही शानदार चीज़ होने वाला है। और यहाँ एक चीज़ देख लें, लॉन्ग रन टाइम, यानी एक साथ लगातार आप बहुत ज़्यादा देरी तक चला भी सकते हैं। और यहाँ नीचे क्या दे रखा है, इन्वर्टर फ्रेंडली, यानी इसको इन्वर्टर के साथ काफ़ी अच्छा फ्रेंडशिप है, क्योंकि ये इन्वर्टर वाला फैन होने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 30 वाट, बिल्कुल 30 वाट का होने वाला है। और आरपीएम की बात करें तो 350 आरपीएम का, तो फाइनली ये भी चेक करेंगे क्या इसमें 350 आरपीएम दिया है तो इसमें पावर कितना है, यानी कितना हाई स्पीड चल रहा है। और डबल वाल वायरिंग होता है और 1200 mm का स्वीप है और फर रिमोट है, यानी इसमें RF रिमोट दे रखा है, तो बहुत ही गजब का चीज़ होने वाला है। तो देख सकते हैं फाइनली इसको ओपन करेंगे बॉक्स से और देखेंगे कि ये कितना हैवी होने वाला है और इसका मॉडल क्या क्या है। तो देख सकते हैं फाइनली इसको अनबॉक्स करेंगे, और अगर इसका MRP की बात करें तो देख सकते हैं 5180 रुपये का MRP है और 1 मार्च 2024 का बना हुआ है, तो देखते हैं बिल्कुल नया है। और फाइनली देख सकते हैं इसका पैकिंग देखेंगे, तो पैकिंग तो देख सकते हैं, तो इसको फैन को बाहर निकालेंगे और देखेंगे और क्या क्या इसमें दे रखा है। तो देख सकते हैं ये तो इसका एक एसेसरीज दे रखा है जो कि इसको टाइट किया जाता है, और दूसरा इसमें सेल दे रखा है जो कि रिमोट को इंस्टॉल करने के लिए होता है, और काफ़ी शानदार इसका रिमोट भी दे रखा है। तो सभी को रखते हैं साइड में और देख सकते हैं इसको इंस्टॉल करके भी चेक करेंगे। तो फाइनली ये हुआ अपना फैन, और ये भी चेक करेंगे इसमें रिमोट को कैसे कनेक्ट करते हैं। देखने में तो ये थोड़ा भी इसमें भौंकाल टाइप का नहीं दिया हुआ है, क्योंकि बिल्कुल ये सिंपल दे रखा है, क्योंकि ये ब्रांड है और ब्रांड ज़्यादा भौंकाल नहीं दिखाता है। तो देख सकते हैं उसके बाद इसको इंस्टॉल करेंगे, तो फाइनली इसको रखते हैं और ऊपर ही रखने के बाद ही इसमें रिमोट भी कनेक्ट करेंगे, तो साथ ही साथ देख सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और फाइनली इसको इंस्टॉल करेंगे, तब तक ब्लेड को हम फिक्स कर ले रहे हैं जो कि 3 ब्लेड का होने वाला है। तो देख सकते हैं आप रिमोट को कनेक्ट करेंगे, तो पहले फैन को ऑन करेंगे और तुरंत ऑफ बटन, फिर ऑन, फिर ऑन, और देख सकते हैं फाइनली फैन अपना ऑन हो गया है और बिल्कुल ये कनेक्ट हो चुका है। देख सकते हैं अभी 2 स्पीड पे चल रहा है।